माई चैनल। तो आज का दिन, मतलब आज का व्लॉग एक्चुअली शुरू हो रही है मेरी दोपहर से। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं, तो मैंने अभी लंच नहीं किया है। लंच तो ऑलरेडी मैं बना कर रखी हूँ, बट अभी लंच किया नहीं है। तो आज एक्चुअली आपको कुछ दिखाऊंगी मैं, जो कि मेरे लिए तो मतलब बहुत दिनों से मैं उसका इंतज़ार कर रही थी उस चीज़ का। तो आज फाइनली वो मुझे मिल ही गया। हस्बैंड तो है नहीं, वो ड्यूटी जा चुके हैं, वो मॉर्निंग ही गए। तो मैंने सब्जी उनके लिए बनाया, मतलब जो भी था वो सब्जी, राइस, पराठा, ये सब बना कर दे दिया उन्हें। बट अभी खुद के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ दो चीज़। एक तो मैं बनाने वाली हूँ आम की चटनी, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आप भी ट्राई करना ज़रूर, आपको भी पसंद आएगी वो वैसी चटनी। तो मैं एक वो बनाऊंगी, और एक मैं बनाने वाली हूँ केला की भुजिया, वो तो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, वो आपको मतलब आपसे रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। तो चलिए बनाते हैं आम की चटनी। ओके, ये देखिए, ये मेरे दोनों आम लाई थी परसों, जिस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैं सैनिटाइज कैसे करती हूँ, ये उसी दिन मैंने लाया था। ये आज उसी की चटनी बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बना रही हूँ मैं। तो इसे सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके जो ये ऊपर के जो ये पील, इसको पील ऑफ कर लेंगे पहले, स्किन ये ऊपर वाला। उसके बाद इसे मैं दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। तो गाइस ये अनपीलिंग तो हो गई है। अब इसे मैं ना ऐसे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में ना ऐसे कट कर लूँगी। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, अगर आपके पास ग्रेटर है तो। मेरे पास भी है, बट वो मुझे ना बहुत बोरिंग काम लगता है, इसलिए मैं ग्रेट रेट नहीं करती। मतलब फटाफट से काम करना मुझे, मतलब बहुत ईजी स्टेप्स में मुझे काम करने होते हैं। से पहले ना मैंने इसे कभी भी बनाया नहीं है। ये मतलब ये काम ना मेरी मम्मी क्या करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये आम का। तो मैं उस दिन मार्केट गई उस दिन, तो मुझे दिखा ये वाला मैंगोज़। तो मैं सोची कि चलो ये मम्मी से पूछती हूँ कि कैसे बनाते हैं, और फिर मैं भी इसे बनाऊँगी। मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये कच्चे आमों से, ना लगता है कि मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है, इसीलिए मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये। मतलब खट्टा मीठा, और इसके ऊपर पता है आप कभी अगर रेड चिली पाउडर हल्का सा डालो, और थोड़ा सा वो होता है ना रॉक सॉल्ट, वो अगर आप थोड़ा सा डाल दोगे ना इसके ऊपर, और उसके बाद आप फिर खाओगे, मतलब क्या टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है यार। मैं मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए कितनी गंदी गंदी शेप्स में ये कटी है, मतलब कोई इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है, कोई ऐसा टेढ़ा है, कोई इस तरीके से है। बट कोई बात नहीं, इसे तो जाना है फाइनली ग्राइंडर में ही, तो इसीलिए ग्राइंडर में ही डालकर इसे तो मतलब पूरा ये तो पेस्ट ही बन जाएगा ना, तो मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं फटाफट से अचार। चटनी मैंने मैंगोज को कट करके रख लिया है, और इसे अब मैं डालूंगी मिक्सर ग्राइंडर में, और इसे हल्का सा ग्राइंड कर दूंगी। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, मतलब लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ मैंगोज को ही ग्राइंड करना है। और उसके बाद उस पर टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, और अजवाइन जिसको कहते हैं वो अजवाइन, कलौंजी, ये सब आप डाल करके, और लहसुन, और सॉरी और मस्टर्ड ऑयल, उसे आप ज़रूर डाल दीजिएगा। वो डालकर एक डब्बे में अच्छे से पैक करके एक दिन के लिए जिस धूप में रख दीजिए, और फिर नेक्स्ट डे से आप खाइए, और आपको मिल जाएगा चटपटा अचार। हल्का थोड़ा दरदरा सा रखना है, जिससे कि वो आपको खाओगे ना तो उसका टेक्सचर अच्छा लगेगा आपको मुंह में, जब वो टेक्सचर आएगा ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल हलवे की तरह पेस्ट नहीं बना देना है इसका, हल्का दरदरा सा रखना है। ओके, तो गाइस देखिए मैंने इसे इस तरीके से हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है, ये अब मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दी हूँ, और इसमें अब ऐड करेंगे सॉल्ट, मैंने पहले ही ऐड कर चुका था, और ये थोड़ा सा कलौंजी मैंने डाल दिया इसमें, और अजवाइन डाल दिया, और अब इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल गया इसमें,
बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो आप फिर। ये देखो गाइस मैंने अपनी मैंगो की अचार बना ली है, बस अब इसे आज भर के लिए सिर्फ धूप में दे दूंगी और फाइनली ये मेरा मैंगो का अचार बनकर रेडी है। तो ये काफी झटपट से बनता है, मतलब आप तुरंत बना सकते हो। वैसे तो आपको भी पता ही होगा, जो भी मेरे व्यूअर्स है वो वीडियो जो भी देख रहे होंगे वो ज्यादातर लोग ये बनाते ही होंगे, मतलब लड़कियों को क्या है कि झटपट ज्यादा पसंद है। तो मैं और तो ज्यादा कुछ मतलब स्पेशल नहीं आता, ये अचार मैंगो जो मिल रहा था ना तो मुझे बहुत लालच आ गया, मैं भी बनाने लग गया इसी वजह से। सो गाइज आज मुझे जो मिलने वाला था वो जस्ट आ चुका है, वो जस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं फटाफट से दिखाती हूँ आपको अनबॉक्सिंग करके। ओके मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसे सेफली कहीं पे रख देती हूँ, फिर बाद में इसे फटाफट से बैठ कर